केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था। ये बड़ी खबर बता रहे हम आपको, बड़ा खुलासा हुआ है शराब निर्माण का। 3 थानों की पुलिस ने खुलासा किया है राजधानी में। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छापेमारी में 4 गिरफ्तार, शराब बनाने का सामान भी मौके से जब्त किया गया, बरामद किया गया है। शराबबंदी के बाद भी राजधानी में शराब बन रही है, क्या यह है पूर्ण रूप से शराबबंदी? विदेशी महंगी शराब का पटना में निर्माण होता था, मौके से कई सामान बरामद किए गए। शराब के निर्माण के लिए जहरीली केमिकल का प्रयोग किया जा रहा था, उपयोग में जहरीली केमिकल को लिया जा रहा था। वापस में एक बार फिर चलेंगे हमारे सहयोगी धीरेंद्र के पास, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, राजधानी पटना और यहां पर शराब का निर्माण, वो भी जहरीली केमिकल से, ये प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो है पटना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सरकार की ये शराब बंदी जो है वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रही है। पटना जैसे पौश इलाके में जहरीली शराब बनाया जाता था। पटना के 3 थाना क्षेत्र में पत्रकार नगर, आलमगंज और गौरीचक थाना क्षेत्र में जो है अंग्रेजी और मांगे शराब बनाए जाते थे। इसके साथ साथ उसके जो रैपर थे और जो अवैध शराब बनाने की केमिकल और स्पिरिट जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता था। तमाम एक सवाल है आपसे। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 10 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हमने जो 3 एएलटीएफ की टीमें थी उसको बढ़ाकर 12 कर दिया है। टीमें का जो टीमों का गठन किया गया था, उन तमाम टीमों ने आखिर किया क्या? बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से जो एएलटीएफ की टीम, उत्पाद विभाग की टीम और अलग से जो पटना पुलिस की टीम जो लगातार जो छापेमारी कर रही थी और विशेष अभियान चला रही थी, इसी का जो फल है वो जो बीते दिन ये जो पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में जो होली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा था, इसी में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। लेकिन ये जो शराब बनाने की जो फैक्ट्री है, एक बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा था शराब बनाने की जो कार्य जो चल रहा, बड़े पैमाने पे चल रहा था। गौरीचक थाना क्षेत्र में 3 मंजिला मकान में चल रहा था, वही आलमगंज थाना क्षेत्र में बड़े गोदाम में चल रहा था, वही पत्रकार नगर के विजय नगर में भी ये बड़े गोदाम जो शराब बनाने का जो खेल चल रहा था, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बहुत बड़ी विफलता है। और वही पुलिस कह रही है कि जो भी शराबबंदी कानून को असफल करने में लगेंगे उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, लगातार जो है वो कार्रवाई करेंगे। धीरेंद्र, बिल्कुल किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब ये जिस तरीके से उद्भेदन मामले का हुआ, ये सवालिया निशान खड़े कर रहा है सरकार पर भी, क्योंकि जिस तरीके से आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था कि होली को लेकर प्रशासन अलर्ट रहेगा, और ऐसे में होली के बाद जहरीली शराब की बातें सामने आ रही है, मौतों पर जो संदिग्ध मौतें हुई उस पर आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब से ये मौतें हुई है, तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल तो खड़े कर रहा है। राजधानी ना, जो कि पॉश एरिया है, राजधानी है बिहार की, और यहां पर अंग्रेजी शराब का निर्माण हो रहा था पुलिस के नाक के नीचे, ये भी सवाल खड़े करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, विदेशी महंगी शराब का निर्माण पटना में होता था, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर नहीं थी। इस मामले का उद्भेदन किया गया है, 4 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, शराबबंदी के बाद भी राजधानी पटना में शराब बन रही थी, विदेशी महंगी शराब का पटना में निर्माण होता था और पुलिस को इसकी खबर नहीं। हालांकि पुलिस ने अब इसका उद्भेदन कर दिया है, इसका खुलासा कर दिया, लेकिन सवालिया निशान खड़े कर रहा है। मौके से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये 3 थानों की पुलिस ने इसकी पुष्टि की, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, आलमगंज, पत्रकार नगर और गौरीचक थाना ने। को देखते हुए लगातार शराब के खिलाफ ये अभियान चल रहा था पहले से भी, लेकिन होली के मद्देनज़र ये अभियान ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पत्रकार नगर थाना अंतर्गत जो थानाध्यक्ष थे, ये अपना टीम के साथ ये लगातार चेकिंग कर रहे थे, उसी क्रम में एक स्कूटी को इन्होंने चेक करने के लिए रोका, तो उसके पास से अवैध ये इंग्लिश शराब बरामद हुई। और फिर उसके बाद पूछताछ के क्रम में एक उसने जो उद्भेदन किया वो एक मतलब एक चौंकाने वाला खुलासा था, जिसके क्रम में उसने बताया कि कुछ एक गिरोह है जो इंग्लिश शराब को जो है यहाँ पर लोकली कुछ जगह पे गोदाम को किराए पर लेकर और इसको
इसके अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे स्पिरिट हो गया या तो होम्योपैथी से रिलेटेड जो कुछ लिक्विड वगैरह होता है और कई अन्य लिक्विड जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बाहर से ये लोग मंगाते हैं और मंगवाने के बाद इसको जो कुछ जगह हायर किए हुए इनके गोदाम है या फिर ये फ्लैट्स वगैरह में जहाँ पर ये लोग अपना रहते थे तो वहाँ से ये लोग लगातार इसका अवैध ढंग से निर्माण कर रहे थे। और शराब निर्माण राजधानी पटना में चल रहा था, अंग्रेजी शराब यहां पर बनाई जा रही थी। बड़ी खेप बरामद की है पुलिस ने। तीन अलग अलग थानों ने, पटना के पत्रकार नगर थाना, गौरीचक और आलमगंज थाना की पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। तो ये आपको हमने तमाम ये बड़ी खबर आज बताई है। हालांकि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कहीं ना कहीं हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से होली पर्व के बाद होली पर्व को लेकर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, विशेष अभियान चलाया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब सामने आ रहे हैं ये पोल खोल रहा है बिहार में शराबबंदी के, और इस पर कहीं ना कहीं गंभीर विचार बेहद जरूरी है सरकार का। फिलहाल इन तमाम बड़ी खबरों में इतना।